हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण दूरदराज साधनों की कमी वाले क्षेत्र के किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना मददगार साबित हो रहा है। इस योजना को गरीब किसानों ने सराहनीय बताया है। उनका कहना है कि मासिक 500 रुपए मिलने से काफी सहारा होगा। इसी तरह आनी उपमंडल के निर्मल खंड के बाहवा पंचायत के दर्जनों लोगों को प्रथम किश्त के तौर पर 2-2 हजार की प्रथम किश्त मिलने पर वे काफी खुश हैं। बाहवा पंचायत के किसानों का कहना है कि उनके यहाँ सूखे के कारण फसल नहीं होती है, दूसरी नकदी फसलों की संभावना भी नहीं है। निसंदेह प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि योजना उनके लिए वरदान साबित हो रही है। बाहवा पंचायत के प्रधान रामचंद का कहना है कि उनके खातों में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की प्रथम किश्त आ चुकी है। उन्होंने कहा कि 96 लोगों ने इस योजना में फॉर्म भरे थे, सबके खातों में 2-2 हजार रुपए आ गए हैं। मैं प्रधान ग्राम पंचायत बाबा जी वर्तमान प्रधान हूँ। मेरा नाम रामचंद जोशी है। मैं ग्राम पंचायत बाबा का प्रधान हूँ। डाकघर नवली तहसील निर्मल जिला कुल का स्थायी निवासी हूँ। और मेरे जो प्रधानमंत्री निधि का जो पैसा आ रहा है मुझे मेरे अकाउंट में आ चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा ये प्लान जो है। यहाँ हमारे आलू की खेती नहीं है, सेब का बगीचा नहीं है, हमारे बहुत ड्रॉट एरिया है। कृपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली किश्त 2000 रुपए उनके खाते में आ गई है। हिमाचल के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों में जहां भूमि उपजाऊ नहीं है वहां ये किस्त काफी मददगार साबित होगी। मेरा नाम कृपाल सिंह है। मैं गांव शटलदास से रहने वाला हूं और मुझे ये खुशी है कि जो प्रधानमंत्री ने जो ये सम्मान निधि योजना चलाई है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारे अकाउंट में जो 6000 पर सालन मिलना है वो हमारे अकाउंट में 2-2 हजार रुपया मिल चुका है। तो इसीलिए शटलधार के नोया राम ने बताया कि प्रधानमंत्री की जो किसानों के लिए स्कीम है वह काफी लाभदायक साबित होगी। इस योजना का गरीब व साधारण किसानों को काफी लाभ मिलेगा। मैं नोया राम गाँव शटलधार से। मोदी जी ने जो 6000 की स्कीम खोली है साल में, तो उसमें से 2000 मेरे खाते में आ चुके हैं अकाउंट। इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बाकी जमीन कुछ खास नहीं है, सूखा ग्रस्त होता है, बारिश होती है तभी फसल होती है, बाकी तो सूखा ही है।